नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि हमें अपने शरीर के स्वस्थ कार्य के लिए दोस्तों हर रोज 7 महत्वपूर्ण प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर। हम अक्सर पर्याप्त मात्रा में पानी, कार्बोहाइड्रेट और वसा का सेवन करते हैं, लेकिन प्रोटीन, विटामिन और फाइबर के हमारे सेवन में कमी रह सकती है। WHO, ICMR और NIN जैसे प्रमुख स्वास्थ्य प्राधिकरण जैसे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपनी RDA की सिफारिशों के अनुसार इनमें से प्रत्येक प्रकार के पोषक तत्वों के दैनिक सेवन की सलाह देते हैं। दोस्तों, शरीर में इन तत्वों की मात्रा असंतुलित होने पर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम हुआ, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हुआ, हार्ट डिजीज़ हुआ, बोन डिसऑर्डर हुआ या ज्वाइंट डिसऑर्डर हुआ, आई प्रॉब्लम, लॉस ऑफ मेमोरी, हेयर लॉस, मतलब बहुत सारे अनगिनत समस्या हमको असंतुलित मात्रा होने पर होता है। यदि हम बात करें मानव शरीर की रचना के बारे में, तो पहले परमाणु है, फिर सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन्स होते हैं, उसके बाद हमारा बॉडी बनता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं? इसको सोच के बताइएगा। थिंक दोस्तों, ऐसा सवाल यदि मैं किसी से पूछता हूँ, यदि उसकी फैमिली में 10 लोग हैं तो उसमें से एक स्वस्थ हो सकता है, 8 लोग अस्वस्थ हैं और एक तो पूरी तरह से बीमार होता है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि भारत दुनिया की मधुमेह की राजधानी हो गई है, ये कैंसर की राजधानी हो गई है, अधिकांशतः इंडियन हार्ट डिजीज के कारण डेथ कर रहे हैं, हमारे पाचन संबंधी विकार, बहुत सारे प्रॉब्लम हमें हो रही है। इसके पीछे रीजन जानते हैं? रीजन है हमारी जीवन शैली, बहुत ही गलत जीवन शैली। पहले जो हम खाना खाते थे वो हमारे शरीर में स्वयं एक पोषण के रूप में कार्य करता था, लेकिन आज हम जो खाना खा रहे हैं वो एक तरह का स्लो पॉइजन है। क्यों? क्योंकि मांग के मुकाबले आपूर्ति में कमी आई है, न्यूट्रिएंट्स का अभाव, आज के भोजन से आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, मिट्टी में पोषक स्तर का अभाव हो गया है, खाना बनाने का तरीका चेंज हो गया है, स्टोरेज और करने का तरीका भी चेंज हो गया है। स्टोरेज कैसे किया जाता है? फल और सब्जियों को हजारों मील की यात्रा द्वारा निर्यात किया जाता है सुपरमार्केट तक पहुंचाने के लिए, और वर्ष भर ये चीज़ उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। भोजन जिसे हम मानते हैं वह ताज़ा और पोषक है, वो अक्सर काफ़ी हानिकारक हमको मिलता है। तो दुनिया भर में 1000 से अधिक कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त या नष्ट न हो। प्रत्येक कीटनाशक के अलग अलग गुण और विषैले प्रभाव होते हैं। WHO के आंकड़ों के अनुसार तो 2012 में दुनिया भर में अनजाने में विषाक्तता से 193,460 लोग मारे गए। इन मौतों में से 84% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुई। दोस्तों, 10 में से एक मौत का कारण फेफड़ों के कैंसर से होता है, जिसका मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। विकिरण पानी में टूटकर जीवित कोशिकाओं में बदल जाता है और खतरनाक रूप से क्रियाशील होकर
हमारे शरीर में निरंतर दुष्प्रभाव डालता है। जल प्रदूषण बहुत ही खतरनाक होता है। जल प्रदूषण में वृद्धि से लाखों लोग को प्रभावित किया है। लाखों में से अधिक लोग तो साफ पानी तक नहीं पी पाते हैं। ये पर्यावरण से संबंधित जो समस्या है, इसे तो हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारी अनियमित जीवन शैली है, जो हमारा भोजन है, उसे हम सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कि इन्हीं सब चीज़ों पर ये काम करती है। इस कंपनी का लक्ष्य है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये कंपनी 5 प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है, या यूं कहें इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर और है फूड प्रोडक्ट्स। यदि हम अपने दैनिक जीवन शैली संबंधी विकारों के बारे में पर्याप्त शिक्षित हैं, तब हम बिना किसी दवा के स्वस्थ रह सकते हैं। अपने शरीर में पोषण की कमी को पोषक तत्वों और प्राचीन आयुर्वेद के साथ पूरा कर सकते हैं। इन तरीकों के माध्यम से हम उच्चतम स्वास्थ्य को वापस पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे अब जानेंगे इस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि हम AWPL भी कहते हैं। ये कंपनी ये 5 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके अलावा ये सन 2014 से ही इंडिया में काम कर रही है। आयुर्वेद के ऊपर ये कंपनी वर्क करती है। जैसा कि आप ये कैटेगरी देख रहे हैं, इन 5 कैटेगरी में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी अच्छी रिजल्ट देने वाले हैं। सभी के सभी हर्बल आयुर्वेद उत्पाद हैं। चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, हृदय संबंधी समस्या हो, डायबिटीज़ हो, अर्थराइटिस हो, ओबिसिटी हो, हाइपरटेंशन हो या कैंसर, एलर्जिकल प्रॉब्लम हो या स्टोन का प्रॉब्लम हो, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या लीवर संबंधी प्रॉब्लम हो, हम सभी लोग जानते हैं कि आयुर्वेद की मदद से हम इन्हें सही कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस्क्लेपियस वेलनेस में आप एक डायरेक्ट सेलर के रूप में काम कर सकते हैं। वेलनेस एंड न्यूट्रिशन आज के युग में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा एक उद्योग है। इस क्षेत्र में व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर हैं। ये हमें स्वास्थ्य, सुंदर और मन से बेहतर महसूस करने वाला एक बिजनेस है। व्यवसायिक विशेषज्ञों का तो यह मानना भी है कि भविष्य में बड़े बड़े पूंजीपति इसी क्षेत्र से उभर कर आएंगे। एस्क्लेपियस वेलनेस आपको वो अवसर प्रदान करता है कि आप भी स्वस्थ और कल्याण के साथ क्षेत्र में अपनी आय को अर्जित कर सकें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल में यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।